एंजॉय। आप सबको अच्छा लगा, हमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से। इधर इधर एक्चुअली इतनी ज्यादा लाइट पड़ रही है, बट हाँ मुझे वहाँ पे बैठी लेडीज नजर आ रही है। अच्छा लगा आप लोगों को, तो आपकी तालियां होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी ढेर सारी होनी चाहिए। थैंक यू। किसी ने सच कहा है, संगीत हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि संगीत के बिना कुछ कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। संगीत से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स थ्रू द म्यूजिक। हम अपने अंदर की चीजों को महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम हिस्सा रखता है, स्पेशली हमारे, अगर बात करें हमारे बॉलीवुड गानों की, तो बॉलीवुड गाने तो हर इंसान की जुबान पर होते हैं, स्पेशली इंडियंस। हमारे जितने यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं वो भी एब्सोल्युटली गाना गाते होंगे। वेल, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब जब मैंने बात चला दी है बॉलीवुड की, तो आज हमारे साथ बॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर्स मौजूद हैं। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी मुंबई मिरर, और किस्मत, बहुत सारी फिल्में हैं बॉलीवुड की, लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे सिंगर हैं जो कि जिनको आपने रियलिटी शो में देखा, और उसके बाद उन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों में भी कई बार प्लेबैक किया। सो आज हम उनको बुलाना चाहते हैं, हमारे जो अगले सिंगर हैं, बिल्कुल मैं उनके बारे में बता रही हूँ आप सबको। ही इज कम्प्लीटली रियली एक्सपीरियंस, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे शोज़ किए हैं, आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे शोज़ किए हैं, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। तो चलिए बुलाते हैं उनको यहाँ पर ऑन स्टेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज वेरी टैलेंटेड सिंगर। तालियों के साथ उनका स्वागत जरूर कीजिएगा आप सभी। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज वेलकम ऑन स्टेज राहुल पंडित, कम ऑन एवरीबॉडी, बिग हैंड फॉर हिम। सबसे पहले आगरा वालों को मेरा नमस्कार, और ये लाइट थोड़ा कम करेंगे प्लीज सामने, या मैं चाहता हूँ जो लोग खड़े हैं प्लीज अगर वो बैठ के सुनेंगे तो मुझे बहुत गाने में अच्छा लगेगा, और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए मुझे। Please.
थैंक यू सो मच। एक्चुअली अभी भी मुझे गाने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरी खाली है, तो अगर आप प्लीज आके इधर बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।